हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे। फिर से लेके आ चुका हूँ नया रिक्रूटमेंट रेलवे की तरफ से। आज इस वीडियो के अंदर बात करने वाला हूँ रेलवे की तरफ से ऑफिशियल जो रिक्रूटमेंट की अपडेट पब्लिश किया गया है, जिसमें आप लोग किस तरह से एप्लीकेशन कर सकते हो। रेलवे रिक्रूटमेंट 2023 में फिर से होने जा रहा है क्लार्क एंड टेक्नीशियन के पोस्ट। आज इस वीडियो के अंदर उसी के ऊपर बात करने वाला हूँ। क्लार्क कम टाइपिस्ट एंड टेक्नीशियन की पोस्ट की कुछ वैकेंसीज निकल के आया है, तो कहाँ कहाँ से आप लोग एप्लीकेशन कर सकते हो, एप्लीकेशन करने के लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहने वाला है, और एप्लीकेशन करने की तरीका भी आप लोगों को सब कुछ एक एक करके आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। पूरा वीडियो जो है लास्ट तक देखिएगा। ऑफिशियल नोटिफिकेशन पाने के लिए हर बार की तरह डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा आपको लिंक, जहाँ से आप लोग इस ऑफिशियल नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं आज की ऑफिशियल नोटिफिकेशन, जिसमें आप लोग एप्लीकेशन कर सकते हैं। दोस्तों जैसे कि देख सकते हो, मैंने यहाँ पे डाउनलोड कर चुका हूँ ऑफिशियल नोटिफिकेशन। एंड इसी ऑफिशियल नोटिफिकेशन के अंदर लेवल 2 के जीपी 1900 टेक्नीशियन 3 एंड जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट की रिक्रूटमेंट किया जा रहा है। टेक्नीशियन के लिए अगर कोई कैंडिडेट एप्लीकेशन करना चाहते, डेफिनेटली 10th पास और 10th प्लस ITI पास करने वाले यहाँ पे एप्लीकेशन कर सकते हैं। अगर जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट के लिए एप्लीकेशन करना चाहते हो, तो आपको 12th पास होना चाहिए। तो ये था एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, बट इसमें भी कुछ ट्विस्ट देके यहाँ पे रखा गया है। तो क्या है ट्विस्ट, उसके बारे में आप लोगों को बताऊँगा। तो बेसिकली यहाँ पर जो रिक्रूटमेंट किया जा रहा है वो है रेल कोच फैक्ट्री कारपूथला जो जगह है वहाँ से। और ये जो रिक्रूटमेंट किया जा रहा है, जिसमें कैंडिडेट जो भी कैंडिडेट एप्लीकेशन करना चाहते हैं उनके लिए मैं बताऊंगा कि यहाँ पे वॉकिंग इंटरव्यू होने जा रहा है। अगर वॉकिंग इंटरव्यू में क्वालिफाइड हो तो आप लोगों को जॉब मिल सकता है। तो एप्लीकेशन शुरू होने हो चुका है 21st of August 2023 से, जिसका लास्ट डेट भी दिया गया है 20 सितंबर 2023 में आप लोग यहाँ पे एप्लीकेशन कर सकते हो। तो इसका एप्लीकेशन शुरू हो चुका है, जिसका लास्ट डेट 20 सितंबर 2023। अभी जो ट्विस्ट की अगर बात किया था उसके बारे में बात कर लेता हूँ। बेसिकली द रिक्रूटमेंट ओनली फॉर द स्पोर्ट्स पर्सन क्वाटो कैंडिडेट के लिए। तो जो भी स्पोर्ट्स से रिलेटेड जुड़े हैं या आपके पास उसका सर्टिफिकेट है, तो आप लोग ही एप्लीकेशन कर सकते हो। तो बेसिकली ये जो है स्पोर्ट्स क्वाटो कैंडिडेट के लिए रिक्रूटमेंट की अपडेट पब्लिश हुआ है, जिसके लिए आप लोग एप्लीकेशन कर सकते हो। तो कौन कौन सी पोस्ट के लिए एलिजिबल है देख लेते हैं। बास्केटबॉल मेल मेन, हॉकी मेन, इसके साथ साथ हॉकी वुमेन, रेसलिंग मेन, फ्री स्टाइल के यहाँ पे आपको क्वालिफाई होना पड़ेगा, उसके बाद ही आप लोग एप्लीकेशन कर सकते हो। और इसके साथ साथ अगर आप लोग एप्लीकेशन कर रहे हो, तो आपके पास कुछ डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए, जैसे कि आपका ITI पास सर्टिफिकेट, आपका SC/ST सर्टिफिकेट, एजुकेशन क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट, सब कुछ लेके आपको जो है एप्लीकेशन करने के वक्त आपको सब कुछ सेल्फ अटेस्टेड करके आपको भेजना होगा। तो आपको स्टेट लेवल, इंटरनेशनल, नेशनल में, अगर डिस्ट्रिक्ट लेवल में अगर आप क्वालिफाई कर चुके हैं, तो डेफिनेटली यहाँ पे एप्लीकेशन कर सकते हो। यहाँ पे एप्लीकेशन फ़ीस की अगर बात किया जाए, 500 रुपीज़ फॉर ऑल कैंडिडेट एक्सेप्ट दोज मेंशन इन सब पैरा इन बिलो। वो लोग यहाँ पे 500 रुपीज़ फॉर कैंडिडेट हुए SC/ST, उनके लिए 250 रुपीज़ आपको एप्लीकेशन फ़ीस जमा करना होगा। SBI ब्रांच के अंदर, SBI ब्रांच में उसका डिटेल भी यहाँ पे दिया गया, जिसमें जाके आप लोगों को आपका जो एप्लीकेशन फ़ीस है आपको भरना होगा।
इसके साथ साथ और क्या क्या अपडेट दिया गया उसको मैं आपको बता देता हूँ। बेसिकली यहाँ पे एप्लीकेशन करने के लिए यहाँ पे एक फॉर्म दिया जा रहा है, इस फॉर्म को फिलअप करना होगा फॉर्मेट ए की तरफ से। और जो मोड ऑफ रिक्रूटमेंट के लिए बताया जा रहा है वो है आपका ओनली ऑन इंटरव्यू स्टेज में क्वालिफाई करना होगा एंड आपका स्किल भी चेकआउट करना हो करेंगे रेलवे की तरफ से। अगर आप क्वालिफाई कर जाते हो तो आपको जो ये जॉब मिल सकता है। तो इसके साथ साथ हाउ टू अप्लाई की अगर बात किया जाए तो आप लोग देख सकते हो www.rcaindianrailway.gov.in पे जाके यू कैन अप्लाई फॉर योर एप्लीकेशन फॉर्म। और एप्लीकेशन फॉर्म के लिए बार बार की तरह डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेकआउट करना होगा, यहाँ से इस फॉर्म को आप लोग पा सकते हो। चलिए फॉर्म को किस तरह से फिलअप करना है आप लोगों को दिखा देता हूँ। फॉर्म को फिलअप करने के लिए तो आपको फास्ट आपको यहाँ पे पासपोर्ट साइज फ़ोटोग्राफ यहाँ पे अटैच करना होगा एंड ये जो फॉर्म को भेजना होगा उसका एड्रेस दिया गया है द जनरल मैनेजर पर्सनल रिक्रूटमेंट सेल आर्ट्स रेल कोच फैक्ट्री कारपुरथला पंजाब में। अप्लाई फॉर द डिसिप्लिन गेम एंड ग्रेड पे डिसिप्लिन कौन सी गेम में आप क्वालिफाई उसको देना होगा। प्लेइंग पोजिशन कौन सी पोजिशन में कैटेगोरी कोड आपका नाम हिंदी में आपका नाम आपका फादर के नाम एड्रेस जहाँ पे आपको विलेज पोस्ट पीएस सब कुछ पूरा आपको यहाँ पे देना होगा। एड्रेस की अगर बात किया जाए उसको भी यहाँ पे देना होगा। मोबाइल नंबर ईमेल आईडी कास्ट आपको देना होगा डेट ऑफ बर्थ एज एजुकेशन क्वालिफिकेशन सब कुछ यहाँ पे देना होगा। देने के बाद स्पोर्ट्स एक्टिविटी कौन सी पोस्ट के लिए क्या क्वालिफिकेशन था आपका नाम डेट प्लेस लेफ्ट हैंड के थाम इम्प्रेशन ऑफ आपका सिग्नेचर हिंदी में आपको देख के इस फॉर्म के साथ जितनी भी डॉक्यूमेंट्स मैंने आपको बताया उन सारे डॉक्यूमेंट्स को दे के आपको भेजना होगा। तो यही था आज की वीडियो। अगर आप लोगों को इंटरेस्टेड है डेफिनेटली अभी के अभी डाउनलोड कर लीजिए एप्लीकेशन फॉर्म एंड यू कैन सबमिट इट। अगर वीडियो के बारे में कुछ और जानकारी चाहिए डेफिनेटली कमेंट कीजिएगा, मैं उस कमेंट का रिप्लाई हर बार की तरह जैसे मैं आपको दे देता हूँ इस बार भी मैं आप लोगों को दे दूँगा। तो इस यहाँ पे ख़त्म कर रहा हूँ वीडियो को। अगर पसंद आया लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।